नमस्कार जी, आपको आपको स्वागत है न्यू लुक ऑफ इंडिया में, न्यू लुक ऑफ इंडिया चैनल में। प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक न्यू लुक ऑफ इंडिया। और एंटरटेनमेंट के लिए है आपके लिए, और एक कहानी है। कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे एक सुई हो, अगर पाँव में कोई खिल चुभता है तो उस सुई से ही निकाला जाता है, लेकिन कोई तलवार से नहीं निकालेगा, उस सुई से ही निकालेगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक कहानी है, एक साइंटिस्ट था, वो स्पेस पे जब गए, उनका कुछ चल रहा था, कोई चीज़ में डिस्कशन चल रहा था और उनको कुछ लिखना था। तो बहुत कुछ जब लिखना था, वो अपना पेन भी लेके गए थे साथ में और अपना डायरी भी लेके गए थे। वो वहाँ जीरो ग्रेविटी होता ही है, तो पेन अपना जब लिखने शुरू किया कुछ, तो पता चला पेन चल ही नहीं रहा है। दूसरा पेन लिए, वो भी नहीं चल रहा है। पेन अच्छा लिए थे, नया पेन था, सब अच्छा था, लेकिन चल ही नहीं रहा था, क्योंकि कोई भी जो वायुमंडल है वहाँ पर कोई पेन चलता ही नहीं। इसीलिए बड़े टेंशन में थे। फिर वो लोग, उनको वापस आना पड़ा रिटर्न। जब अपने आ गए, पृथ्वी में रिटर्न आ गए, तब बहुत टेंशन में थे, तब क्या करें। एक साइंटिस्ट अपना घर में एक रूम, कमरा अपना बंद करके आराम से खाना पीना खा के शांति से एक रूम में आके बैठ गया। दरवाज़ा ढाल रखा था ऐसे, और सोच रहा था कि अब क्या करें, कैसे जाएं, फिर से जाना पड़े वायुमंडल में, स्पेस पे, तो क्या करें। फिर पेन तो नहीं चल रहा है, अब क्या, बड़ा टेंशन हो गया, ऐसे जमाना था, अब क्या करेंगे। तो बहुत टेंशन में था, ऐसे बैठे 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 सोच रहा था, तो उसका एक छोटा सा बेटा आया, 5-6 साल का था। तो बोला, पापा पापा क्या सोच रहे हो, क्या बात है, टेंशन में क्यों, पापा कुछ बोलो, चलो खेलते हैं, कुछ करते हैं। तो पापा उसको बोला, नहीं नहीं बेटे, तुम जाओ, तुम छोटे हो, कुछ नहीं समझ में आएगा तुम्हें, जाओ तुम यहाँ से निकलो। तो फिर थोड़ी देर गया बाहर, फिर आके बोला, पापा चलो खेलते हैं। बोला, नहीं बेटा मेरे को काम है, टेंशन है, अभी तुम जाओ। फिर गया बाहर थोड़ी देर बाद, फिर आके बोला, पापा अब बताओ ना, क्या टेंशन, क्या बात, मैं कुछ अगर हल कर सकता हूँ, कुछ डिस्कस बताओ, मैं आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब उसका पापा जो है बता दिया, बोला, बेटा तुम क्या समझो कि छोटा सा बच्चे हो। तो ऐसे बताया कि हम लोग जब गए थे स्पेस पे, वहाँ मुझे कुछ लिखना था, अब याद तो सब चीज़ रहेगा नहीं, कुछ लिखना पड़ता है, लिखने के लिए जब पेन लिया तो कोई पेन चला ही नहीं, उस पेन के वजह से हमें नीचे आना पड़ा रिटर्न। अब इतना खर्चा भी है, इतना मेहनत भी है, लेकिन कुछ फ़ायदा भी नहीं है। रिटर्न आने के बाद हम ये सोच रहे हैं, अब क्या करें, कैसे करें। मतलब बस पापा इतनी सी बात है। तो उसका पापा इसको सुधीर से देखने लगा, क्या बोल रहे हो, बस पापा इतनी सी बात है, क्या बात है, इतनी सी बात है। तो बोला, बेटा बोलो क्या बात है, बताओ क्या है। पापा इतनी सी बात है, पेन नहीं चला तो क्या हुआ, पेंसिल चल जाएगा। तब उसका पापा का दिमाग खुल गया, दिमाग में जल गया बत्ती, 100 वाट की बत्ती जल गया। बोलो, यार बेटा तो सही बोल रहा है, कोई पेन नहीं चला तो कोई बात नहीं, पेंसिल तो चल ही जाएगा, और चलेगा, और चला भी, बस दूसरा दिन फिर पास उड़ गए ऊपर, जाके फिर लिखने शुरू कर दिए पेंसिल में। बेटा को शाबाश, धन्यवाद, गले मिलाया खुशी से। तो इसीलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये छोटा सा कहानी आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और न्यू लुक ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।